सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए चेक करने के लिए हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो, डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में हम कहते हैं जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो उस केस में हमारे पास मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे पढ़ें, अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है लीनियर, आगे हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस यानी जिसमें हमारे पास इक्वेशंस होंगी उनका मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को देखते हैं, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में या तो उसके कोई भी जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा।